हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका फिर से अपनी टीचिंग क्लास प्रगतिशील क्लासेज में। आज फिर से हम आपके सामने नाइन्थ क्लास का वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं। इससे पहले नाइन्थ क्लास का तीन वीडियो लेक्चर हो चुका है। सबसे पहला वाला में रेस्ट और मोशन के बारे में बताए थे। जो दूसरा वाला लेक्चर हुआ था उसमें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताए थे, और तीसरा वाला जो था उसमें एक्सीलरेशन क्या था, रिटार्डेशन क्या था, उसके डिफिनेशन को लेकर बात किए हुए थे। अगर वो सारा वीडियो नहीं देखे हुए हो तो यहाँ आई बटन पे लिंक होगा, उस पर जाके क्लिक करो और देखो उस वीडियो को पहले। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो इक्वेशन ऑफ मतलब प्लेलिस्ट में जाओगे और प्लेलिस्ट में जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है? तो प्लेलिस्ट से जाके निकाल के फिर से उस वीडियो को देखो और यहाँ पे आ जाओ। आज हम तुम लोग को पढ़ाने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं समझ में आया तो फिर अभी से लेके आगे तक के फिजिक्स में बहुत दिक्कत होने वाला है, और साथ में 11th 12th में भी इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हर जगह इक्वेशन ऑफ मोशन आना ही आना है। इक्वेशन ऑफ मोशन को एग्जाम में ग्राफिकली भी प्रूफ करने दे देगा और मैथमेटिकली भी प्रूफ करने दे देगा, तो दोनों तरीका से हम सिखाएंगे। अभी सबसे पहले आज मैथमेटिकली सिखाएंगे और उससे क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, और बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दे देंगे, ठीक है? तो चलो ध्यान से देखो इस वीडियो को, और कोशिश करना कि पूरा का पूरा वीडियो एक बार में देखने का कोशिश करो। कोई बदमाशी नहीं, वीडियो को पॉज करना है जब क्वेश्चन आ जाए, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद फिर से आगे बढ़ना है। तो चलो शुरुआत करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये टोटल अपने को इस क्लास में 3 पढ़ना है, मतलब 9th क्लास के सिलेबस में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, ठीक है? पहले तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं फिर प्रूफ करने जाएंगे। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस at, ठीक है? दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक? और तीसरा वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान से देखो, ये जो लिखे हैं ना, इसका मतलब क्या है ये सब पहले ध्यान से देखो। यहां पे लिखे हैं एक वर्ड v और दूसरा वर्ड लिखे हैं u। अब देखो, ये जो v है ना या फिर u है, ये दोनों वेलोसिटी है। अब दोनों वेलोसिटी है तो अलग अलग वर्ड का यूज किए। तो देखो, एक्चुअली में होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो अभी चलना शुरू किया, मतलब जब तुम उसको देख रहे थे ना तब वो चलना शुरू किया था, तो वो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, और हम उसको थोड़ा देर के बाद देखें, 5 सेकंड के बाद देखें, घड़ी में टाइम देखें, अच्छा 5 सेकंड के बाद उसको देखेंगे, तो 5 सेकंड के बाद जो हो गया ना वो हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी। तो इसीलिए v और u का यूज किए हैं। ये जो v है ना, ये v है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब बाद वाला वेलोसिटी है, आया समझ में? और ये जो u है ना, ये u है इनिशियल वेलोसिटी। ये जो u है वो u है इनिशियल वेलोसिटी। अब क्लियर हुआ होगा, u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग वाला, और v जो हो गया फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब हो जाता है बाद वाला वेलोसिटी। एकदम क्लियर ना? चलो और देखो, इसमें a वर्ड का यूज किए, a, और ये तो पिछले क्लास में बता ही दिए हुए थे कि a जो होता है वो एक्सीलरेशन होता है। a क्या है? तो a यहाँ पे एक्सीलरेशन है, और t क्या है? तो यहाँ पे t जो है ना वो टाइम है, t जो है वो टाइम है। और यहाँ पे s क्या है? s, ये s जो है ना, ये s एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो गया कि, और कहीं कहीं पे ना इसको डिस्टेंस भी बोल दिया जाएगा, तो कुछ चिंता करने का बात नहीं है। मतलब जहां पे डिस्टेंस बोल दिया जाएगा वहां पे ये मतलब रहता है ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर हो गया है, इसलिए वहां पे ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है? उतना अंदर में नहीं जाना है, ऐसे तो अंतर हम बता दिए हुए हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन डिस्टेंस लेके दे दिया तो ये नहीं करना है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, गलत डेटा दे दिया हुआ है, मतलब जो डिस्टेंस दिया है ना उसको तुम डिस्प्लेसमेंट मान के सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे एस जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस होगा, टी जो है वो टाइम होगा, ए एक्सीलरेशन, यू इनिशियल वेलोसिटी, और बी जो है वो फाइनल वेलोसिटी। आया बात समझ में? तो यहां से ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आया हुआ है। ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इसको अच्छे से याद कर लो, एकदम बढ़िया से, जवाब में रटा हुआ होना चाहिए, कोई नींद में भी उठा के पूछे तो एकदम बोलना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, एकदम अच्छे से आना चाहिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन। आया बात समझ में? चलो
एक चौथा भी इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या है, फिर बताते हैं। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इन टू टू एन माइनस वन। ध्यान से देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ये पहला वाला तीनों है ना, ये अपने नाइन्थ क्लास के सिलेबस में है और हम ये तीनों का प्रूफ भी अभी बताएंगे। ये जो चौथा वाला लिखे ना फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसका प्रूफ हम नहीं बताने वाले हैं यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन आएगा तो वो समझा देंगे। आया बात समझ में? तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ अभी नहीं देंगे, अगर तुमको प्रूफ देखना है तो फिर क्लास जब खुले तो क्लास में तुमको आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको बताने के लिए बहुत सारा बेसिक चीज बताना पड़ता है। जैसे कि जब नाइन्थ क्लास यहाँ पे शुरू होता है तो स्टार्टिंग में बहुत कुछ पढ़ाते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं बच्चा को, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ लेता है तो उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं, फिर वेक्टर पढ़ाते हैं, ये सब पढ़ाते हैं पहले। तो वो सब चीज जब पढ़ लोगे ना तब जाके ये फोर्थ वाला इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा ये सब प्रूफ होगा, तब जाके समझ में आएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। अभी अगर इसको बताने प्रूफ करने चले तो कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला है। आया बात समझ में? अभी देखो तो अभी ये वाला जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ये प्रूफ करेंगे। चौथा वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ये एक्चुअली में है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। चौथा वाले को ये एस एन है मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है nth सेकेंड में, एस एन का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ठीक है। यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, और ये जो एन यहां दिख रहा है ना ये एन टाइम है, nth सेकेंड वाला टाइम। अब ये nth सेकेंड क्या होता है, जैसे कोई गाड़ी चल रहा था हम उसको देखे कि 10 बजे से चलना शुरू हुआ और 10 बज के 5 मिनट तक हम उसको देखते रहे, लेकिन हम चाहते हैं 10 बज के 2 मिनट 5 सेकेंड मतलब उस एग्जैक्ट एकदम पार्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस चला, इसी को बोलते हैं एस एन मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, उस nth सेकेंड में उस वाले सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको बोलते हैं एस एन। यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, और यहाँ पे एन फिर से हो गया वही एन सेकेंड वाला जो टाइम आएगा वो टाइम यहाँ पे रखेंगे और माइनस वन कर देंगे। तो एस एन का मतलब आप समझ में आया कि डिस्टेंस ट्रेवल होता है एन सेकेंड में, इनिशियल वेलोसिटी डालो, एक्सीलरेशन डालो और टू एन माइनस वन कर दो तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है। एकदम क्लियर है? तो चलो अब इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली जो है वो प्रूफ करते हैं। ग्राफिकली वाला जो बात है वो ग्राफिकली अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो ग्राफिकली से पहले एक वीडियो पूरा का पूरा ग्राफ पे बताएंगे और उस ग्राफ पे बताने के बाद फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली प्रूफ करना, कि मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं। देखो इससे पिछले क्लास में एक्सीलरेशन का डेफिनेशन पढ़ाए थे ना, इससे पिछले क्लास में डेफिनेशन पढ़ाए थे एक्सीलरेशन का। क्या था एक्सीलरेशन का डेफिनेशन? एक्सीलरेशन का डेफिनेशन बोलोगे मेरे साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम लोग बोले थे इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम लोग बोले थे एक्सीलरेशन, याद आया। अभी देखो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में जो समय के साथ चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को ए से लिखे थे बराबर, ये जो रेट है रेट, रेट के लिए यहाँ पे नीचे डिवाइड का साइन, रेट ऑफ चेंज जैसे ही बोले थे कि रेट आए डिवाइड का साइन लगाना है और नीचे में टाइम लिख देना है। अब आगे क्या आ रहा है, चेंज ना, तो चेंज के लिए डेल्टा, आया बात समझ में? चेंज के लिए डेल्टा। एक्सीलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसमें चेंज चाहिए तो वेलोसिटी में, तो यहाँ पे वी लिखे थे, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब यहां से एक्सीलरेशन बराबर ये चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा, तो बाद में कुछ वेलोसिटी होगा, शुरुआत में कुछ वेलोसिटी होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो यही ना चेंज है। तो यहां से एक्सीलरेशन को लिखे कि बाद वाला वेलोसिटी वी माइनस शुरुआत वाला वेलोसिटी यू, और यहां नीचे में हो जाएगा टाइम, तो एक्सीलरेशन बराबर वी माइनस यू बाई टी, ये आ गया था, ये पिछले क्लास में लाए हुए थे प्रूफ करके। अभी देखो ध्यान से देखना, इसको ऐसे करें नीचे में नहीं कुछ है तो ए वन है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का कोशिश करो, तो ए को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए टी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए को टी से मल्टीप्लाई किए तो ए टी,
उसके बाद इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, v माइनस यू। आ रहा है समझ में? इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 80 और v माइनस यू को 1 से मल्टीप्लाई किए, v माइनस यू, यू को इस तरफ ले आओ तो क्या लिखोगे, ये माइनस में इस तरफ है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में ना, u प्लस 80 बराबर v। आया बात समझ में? और यहां से ऐसे लिखें v जो है वो v बराबर u प्लस 80। देखो समझ में आया कि नहीं आया, पहला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यही था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। और t क्या है? टाइम। एकदम क्लियर है? तो यहां से ये इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया, a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, 80 v माइनस यू को 1 से मल्टीप्लाई किए, v माइनस यू, ये 80 को यहीं रहने दिए, u को इस तरफ ले आए तो u प्लस 80, और इस तरफ तो v पहले से लिखा, अब इसको अरेंज किए, v को पहले लिखे, इस वाले टर्म को बाद में लिखे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। एकदम अच्छे से आया होगा समझ में, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, एकदम क्लियर है? तो चले आगे, ये वाला पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था, इसको प्रूव कर दिए, ठीक है। चलो इस वाले रिजल्ट को ना इधर कोने में लिख लेते हैं, इसका यूज करने वाले हैं अगले इक्वेशन ऑफ मोशन में, इसका यूज होगा, ठीक है। तो चलो इस वाले रिजल्ट को उधर साइड में रख लिए हमने, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अगला वाला जो प्रूफ है उस पे चलते हैं। पहला वाला हो गया प्रूफ, अभी देखो दूसरे वाले का प्रूफ दिखाते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो था उसको देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो उससे पहले एक बात सीखते हैं, एक टर्म है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पिछले क्लास में पढ़ाया हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब बाइक में टोटल टाइम करते हैं। अभी देखो कोई नंबर मैथ्स में एवरेज कैसे निकालते हो, जैसे एक दो दे दिया, एक तीन दे दिया, एक चार दे दिया, तो इसका बोलेगा एवरेज निकालने, तो कैसे निकालोगे? दो और तीन पांच, पांच में चार ऐड करोगे तो ये नौ हो गया, और एक दो तीन ये टोटल तीन नंबर है तो तीन से डिवाइड कर दिए तो इसका आंसर तीन हो गया। या ऐसे रहे कि चार है और दो है, इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, इस दोनों को जोड़ोगे और दो से डिवाइड करोगे, तो यही ना एवरेज होता है। अब उसी तरीके से क्या आपने से पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, बाद वाला वेलोसिटी, शुरू वाला वेलोसिटी, दो वेलोसिटी अपने पास है, दोनों को जोड़ दिए और दो से डिवाइड दे दिए, तो ये है एवरेज वेलोसिटी वी प्लस यू बाई टू। वो वाला भी फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम दे दे तो वो वाला फॉर्मूला लगाना, अगर नहीं अगर ये वाला दे दे कि v और u का वैल्यू दे दे तब एवरेज वेलोसिटी, दोनों को जोड़ के और दो से डिवाइड दे देना है तब ऐसे आएगा एवरेज वेलोसिटी v प्लस u बाय टू। इतना तो आया समझ में? अभी देखो ये वाला लाइन को अब मिटा रहे हैं, ये वाला जो नीचे मैं ऐसे ही लिख देते इसको हटाओ, एवरेज वेलोसिटी आया समझ में? अभी देखो अभी हम नीचे में लिख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, या इसी को लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ बस सब कुछ आएगा समझ में। ये जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट, इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिखें कि ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहां पे लिखे एवरेज वेलोसिटी, अब गुणे में कर देते हैं टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वाला बात डाइजेस्ट हुआ? देखो फिर से क्या बोले, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो तुमको ये वाला वेलोसिटी ले लो और वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करो, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी होगा किसी ऑब्जेक्ट का। अभी देखो मान लो 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया, थोड़ा देर के बाद 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं एक एवरेज वाला टर्म ले लेते हैं और टाइम से गुणा कर दिए। नहीं आया समझ में? फिर से सुनो, ऐसे तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चला रहे हो, अभी साइकिल चलाओ, पहले 2 मीटर पर सेकंड से तुम जा रहे थे और थोड़ा देर के बाद तुम अपना स्पीड बढ़ा के 4 मीटर पर सेकंड से कर दिए, और फिर ट्रैफिक आया होगा तो तुम अपना स्पीड 2 मीटर पर सेकंड कर दिए, फिर रास्ता खाली मिला होगा 2 मीटर पर सेकंड फिर से कर दिए, फिर से 4 मीटर पर सेकंड किए होंगे। मतलब जब तुम घर पहुंचोगे तो तुमसे अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारा स्पीड क्या था तो तुम क्या करोगे, जहां से चले थे और घर पर पहुंचे तो टोटल डिस्टेंस निकाल दोगे और कितना देर में पहुंचे और दोनों को डिवाइड कर दोगे और जो एक आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड वो दूसरे को बता दोगे। तो अभी क्या किए ना, तुम 2 मीटर पर सेकंड बताया आंसर, ना 4 मीटर पर सेकंड बताया, एक एवरेज वैल्यू का बात किया ना, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड ये वैल्यू तो फ्लक्चुएट कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, कभी 2 हो रहा था, कभी 4 होता, कभी 5 हो रहा था, कभी 3 हो रहा था, कभी 1 हो जा रहा था,
तो हम लोग एक एवरेज ले लिए कि कितना होता होगा हर समय, आया बात समझ में। तो वही यहां पे किए हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को एवरेज वेलोसिटी आई इनटू टाइम लिख दिए हुए हैं। अब एकदम क्लियर हुआ, ध्यान से देखना, ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, इसको एस लिखते हैं, यहां से एवरेज वेलोसिटी है तो वी प्लस यू बाय टू, अभी लिखना सिखाए हैं एवरेज वेलोसिटी वी प्लस यू बाय टू, इनटू में टाइम है, ये वाला टाइम है, ठीक है, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू आई इंटू में टाइम है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। जरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करो, तो यहां पे लिख लेते हैं छोटे से जगह में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्रूफ करके तो हमको यही लाना है ना, आए बात समझ में। पहले तो हमको इक्वेशन ऑफ मोशन बता दिए, अब देखो ये प्रूफ करके हमको लाना क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां पर अपने पास एस है, यू है, टी है, लेकिन अपने इक्वेशन में ए चाहिए था, यहां पे ए है नहीं, और वहां पे देखो तो यहां पूरे इक्वेशन में वी नहीं है, और यहां पे जो है वो वी है ना, मतलब इस वी को ऐड करना पड़ेगा ना, ये जो वी है ये एक्स्ट्रा वी है, मतलब वहां पे वी नहीं है और यहां पे वी दिख रहा है, तो इस वाले वी को ऐड कर देते हैं। अच्छा, इस वी को ऐड करने के लिए पहला इक्वेशन जो प्रूफ कर दिए इसका यूज करें, तो देखो पहला इक्वेशन का यूज करते हैं इस वी के लिए, पहला इक्वेशन क्या यहां पे लिखे हुए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां से v के जगह क्या लिखोगे, ये जो v है इस v के जगह लिखोगे, यहां जो v है इसके जगह u प्लस ए टी, आया बात समझ में, अपने को v नहीं चाहिए, v हटाना है, तो v हटाना है तो पहला इक्वेशन का यूज किए, तो v के जगह u प्लस ए टी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो s बराबर यहां जो v है इस v के जगह u लिखते हैं प्लस में ए टी लिखते हैं, आगे तो u है ही ना, u लिख देते हैं, और नीचे में टू तो है और साथ में टाइम भी है, जो था वही कॉपी किए, सिर्फ v के जगह ये जो v आया था ना बस इसके जगह u प्लस ए टी लिखे हैं, यहाँ पे u प्लस ए टी ये वाला जो टर्म देख रहा है बस इसी को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ v के जगह रख दिए हुए हैं, ये है। यहां से s बराबर u और u को जोड़ेंगे तो 2u बनेगा, a और t यहां से ए टी बनेगा, और नीचे में टू है और यहां साथ में टाइम है, आया बात समझ में। अभी देखो आगे करने जा रहे हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, इधर देखो आगे ये 2u और ये वाला 2 दोनों को डिवाइड करें, तो यहां से 2u और डिवाइड बाय 2, तो s इज इक्वल टू 2u डिवाइड बाय 2। अच्छा ये 2 इसको दिए तो इसको भी देंगे, सेपरेट करेंगे तो दोनों को दो दो मिलेगा ना, तो यहां इसको भी 2 दे दो, तो यहां से आगे क्या लिखोगे, ए टी डिवाइड बाय 2, और आगे में तो टाइम है ही ना, अच्छा यहां पे टाइम है, इस टाइम को भी लिख देते हैं, ये 2 और ये 2 सही हो गया, यहां से s बराबर t को u से मल्टीप्लाई करो तो ut बनेगा, यहां से ये जो हाफ है ना इसको बाहर निकाल के रखते हैं, a को इसी जगह और t का मल्टीप्लीकेशन तो क्या आएगा t स्क्वायर, जो प्रूफ करना था वो आ गया, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो प्रूफ करना था वो ले आए, आया बात समझ में। एक बार फिर से देखो क्या किए, सबसे पहले तुमको बताया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो ये होता है v प्लस यू बाई टू, किसी नंबर का एवरेज निकालते थे दो नंबर का, तो ऐसे ही ना करते थे, दो नंबर को जोड़ के दो से डिवाइड करते थे, तो यही हम किए हैं v प्लस यू बाई टू। फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, अब यहां पे दिक्कत हुआ होगा कि एवरेज वेलोसिटी क्यों लिखे, तो फिर इसके लिए बताए थे कि वेलोसिटी जो है वो तो ऊपर नीचे होते रहेगा, तो हम लोग एक एवरेज टर्म लेके चलते हैं, तो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ऊपर से लाके लिख दिए, तो v प्लस यू डिवाइड बाई टू इन टू टाइम हो गया। फिर से अपने को चाहिए था s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अपने वाले इक्वेशन में v नहीं था, यहाँ पे v एक्स्ट्रा है तो v को हटाना पड़ेगा, v को हटाने के लिए जो पहला इक्वेशन था उसी इक्वेशन का यूज किए, v बराबर u प्लस ए टी और ये वाला जो v है उसकी जगह u प्लस ए टी रख दिए, और यहाँ पे u पहले से था, यहाँ पे 2 नीचे और यहाँ पे टाइम, फिर क्या किए u और u को जोड़ के 2u लिखे, यहाँ पे 80 लिखे और 2 नीचे में है और टाइम, फिर ये वाला जो 2 था ये इसको भी दे दिए और ये वाला 2 इसको भी दे दिए और यहाँ पे लिख दिए और इनटू में टाइम था, ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे u और ये वाला आ गया t, यहाँ पे 1 बाई 2 रखे, ये a रखे और t मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर, मतलब s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया प्रूफ, ठीक है। तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ किए, पहला v बराबर u प्लस ए टी और सेकेंड वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन था वो s बराबर u प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब चलो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो था उस तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं, जो तीसरा वाला इक्वेशन ऑफ मोशन था, ध्यान से देखते जाना, वो भी बहुत ज्यादा इजी प्रूफ हो जाएगा,
ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ किया है ना, वीडियो को पॉज करके 2 से 3 बार इसको खुद से करने का कोशिश करो, ठीक है। ये एग्जाम में एकदम कंफर्म पूछने वाला चीज है। यहां देखो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको प्रूफ करते हैं। तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, उसको पहले यहां पे लिख लेते हैं। पहले बता दिए थे, तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ae s, इसी को ना प्रूफ करके लाना है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ae s को देखो कैसे लाएंगे, ये वाला लाइन यहीं पे रहने देते हैं। ये जो पिछला क्वेश्चन में यूज किए थे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, इस क्वेश्चन को यहीं पे रहने दो, ठीक है। ये वाला लाइन यहां पे रहने देते हैं। अभी देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं एस बराबर एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ऊपर तो लिखा हुआ है ना, यहां वी प्लस यू डिवाइड बाई 2 और साथ में क्या है तो टाइम है, यहां पे रख दिए, ठीक है। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ae s, पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी टाइम दिख रहा है क्या? टाइम नहीं है। अपने इक्वेशन में यहां पे टाइम है ना, मतलब इस टाइम को गायब कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा टाइम को गायब करना है तो पहला इक्वेशन का हेल्प लें। पहला इक्वेशन क्या था, इधर लिखते हैं, पहला इक्वेशन वी बराबर यू प्लस 8ae, यह था पहला इक्वेशन। यहां से यू को इस तरफ ले आओ तो वी माइनस यू बराबर 8ae, तो यहां से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये तो अगर हमको टाइम चाहिए तो v माइनस यू और ये a नीचे में आएगा तो a इधर, तो पता चला यहां जो टाइम है उसके जगह v माइनस यू बाई a लिख सकते हैं। तो चलो इसी का यूज करते हैं, s बराबर v प्लस यू डिवाइड बाई 2 और इनटू में टाइम है, तो टाइम के जगह यहां टाइम है ना, इस टाइम की जगह क्या लिखोगे, v माइनस यू डिवाइड बाई a, तो इस टाइम की जगह यहां जो टाइम है इस टाइम की जगह लिखते हैं v माइनस यू डिवाइड बाई ए। आया बात समझ में, एकदम क्लियर है। अच्छा यहां पे देखो ना, ये कुछ देखा हुआ चीज लग रहा है क्या, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, कुछ याद आया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू नहीं याद आया। अच्छा देखो तो इधर याद आएगा, अभी ऐसे पढ़े थे कुछ क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब सबको याद आया, इसको क्या लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लिखते थे। तो यहां पे भी लिख सकते हैं क्या, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो इसको हम लोग ऐसे लिखें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसा ही नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एकदम क्लियर। नीचे में 2 इंटू a, तो यहां पे क्या लिखोगे 2a, यहां पे s है तो s लिखोगे, नीचे नहीं कुछ है तो 1। आया बात समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, s को 2a से मल्टीप्लाई और इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो s को 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या बन जाएगा 2as बराबर, ये s को इससे मल्टीप्लाई किए तो 2as, और इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो वही टर्म आ जाएगा ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्लियर है। अभी देखो ये बता, यू स्क्वायर इधर माइनस में है ना, उसको इस तरफ ले आओ तो इधर माइनस में तो इस तरफ आने पे प्लस में होगा, तो यहां से यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर वी स्क्वायर, ठीक है। और इसको अरेंज करके बढ़िया से लिखो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, देखो जो प्रूफ करके लाना था वो ला दिए प्रूफ करके, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आया बात समझ में, एक बार फिर से देखो क्या बोल रहे थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, इसको पिछला बार समझा चुके थे। टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह एस लिखे, एवरेज वेलोसिटी अपने को चाहिए तो एवरेज वेलोसिटी की जगह वी प्लस यू डिवाइड बाई 2 ये लिख दिए, टाइम यहां पे तो टाइम लिखे। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, पूरे इक्वेशन में कहीं पे टाइम नहीं दिख रहा है, मतलब अपने को टाइम हटाना है, तो यहां जो टाइम है उसको गायब करना पड़ेगा। टाइम को हटाने के लिए पहले जो प्रूफ कर चुके हैं उसका हेल्प लेंगे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 8ae, सबसे पहला इक्वेशन था इसको प्रूफ किए थे। यहां से u को इस तरफ ले आए तो v माइनस यू यहां पे 8ae, यहां से a को पीछे कर दिए तो v माइनस यू यहां पे a नीचे आ गया और यहां पे टाइम, तो टाइम का वैल्यू v माइनस यू बाई a, ठीक है। इसी टाइम की जगह यहां पे जाके रख दिए v माइनस यू नीचे में a। अभी यहां पे दिखा कि v प्लस यू आई इंटू v माइनस यू, ये एक फॉर्मूला था किसका, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो इस पूरे के जगह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर पुट किए, ठीक है। v a का काम कर रहा है, u b का काम कर रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अभी भी है ना,
दो को ए से मल्टीप्लाई किए तो टू ए, यहाँ पे एस है, नीचे नहीं कुछ था तो वन लिखे। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टू ए को एस से मल्टीप्लाई किए टू एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई किए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को इस तरफ ले आए तो इस तरफ माइनस में तो इस तरफ आएगा प्लस में, तो यू स्क्वायर प्लस टू एस, यहाँ पे है वी स्क्वायर तो यहाँ पे वी स्क्वायर और ये उस तरफ चले जाएगा तो यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। आया बात समझ में? तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो तीनों को अच्छे से प्रूव कर दिए। चौथा वाला इक्वेशन भी लिखे थे एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, मतलब एंथ सेकेंड में कितना चलेगा, तो वो यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाएंगे। उसको प्रूफ करने से पहले और भी थोड़ा थोड़ा चीज जो है वो पता होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो जानना है तो जब लॉकडाउन खुले तो फिर से कोचिंग में आओ, वहां पे बताया जाएगा, ठीक है। तो आज इस वाले लेक्चर में यहां तक रखते हैं, अगला वाला जो लेक्चर होगा उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड पहले क्वेश्चन कराएंगे, और जब अच्छे से क्वेश्चन करना सीख जाओगे उसके बाद फिर ग्राफिकली वाले मेथड पे चलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।